कांग्रेस ने बदले 60 सीटों पर उम्मीदवार, शिवराज बोले कपड़ा फाड़ पार्टी की हालत हो रही है खराब। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। टिकट बंटवारे के बाद मचे कोहराम को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बदल दिए हैं। अब तक कांग्रेस 7 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलती की गुंजाइश छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में टिकट बंटवारे के बाद बगावत पर उतरे नेताओं की तरफ से इन पार्टियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी होती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बगावत को भांपते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद फिर से विचार किया और कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए। कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस फैसले को रणनीतिक कदम ना मानते हुए घबराहट करार दिया है। बैतूल में तृप्ति नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे शिवराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब टिकट बदल कांग्रेस बन गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत ही अजब गजब हो गई है। शिवराज ने कहा, कमलनाथ जी ने तो क्या, उनके बेटे ने भी टिकट बांट दिए थे। टिकट को लेकर जब कोलाहल मचा और लोग पहुंचे कमलनाथ के पास तो उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ने हैं तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। इसके बाद कांग्रेस कपड़े फाड़ कांग्रेस हो गई। अब कांग्रेस पार्टी टिकट बदल पार्टी हो गई है। कांग्रेस की हालत अजब गजब हो गई है। आगे और भी हाल बिगड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।